लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं डेल इंस्पिरॉन 3000 सीरीज के अंदर दूसरा लैपटॉप। पहले जो हमने बनाया था वो था राइजन 3 7000 प्रोसेसर, 7000 सीरीज का प्रोसेसर। आज हम 3000 सीरीज डेल इंस्पिरॉन का दूसरा मॉडल लेके आए हैं राइजन 5 7000 में। जी हाँ, डेल ने राइजन 5 को भी लॉन्च कर दिया है अपनी 3000 सीरीज के अंदर, जो 7520U प्रोसेसर के साथ है। तो ये है वो लैपटॉप जिसको आज हम अनबॉक्स करेंगे, जिसका हम रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। इस लैपटॉप का भी हम बैक पैनल ओपन करके दिखाएंगे आपको। देखते हैं डेल ने अपनी 3000 सीरीज के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं या नहीं किए, हम इसमें क्या अपग्रेड कर सकते हैं, हम ये सब देखेंगे। अभी तक हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे यही कहूंगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी नए नए लैपटॉप्स की वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है। जैसा कि हर लैपटॉप में आता है प्रीमियम पावर कोर्ट, और इसमें भी आपका 65 वाट का अडैप्टर है और टाइप सी अडैप्टर नहीं है। ये देखिए, ये है हमारा जो नया लॉन्च हुआ है। देखिए अगर हम चेंज की बात करेंगे तो अभी तक 3000 सीरीज में जो चल रहा था वही चीज है इसके अंदर। नेचुरल सिल्वर कलर है, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। हमने जो पहले राइजन 3 दिखाया था वो कार्बन ब्लैक में था, वो काफी डिफरेंट बनाया था डेल ने, लेकिन इसमें बहुत खास चेंज नहीं किए हैं। वही अप्रोक्सीमेटली 1.63 kg का इसका वेट है। अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूं तो वही थिकनेस है जो अभी तक 3000 सीरीज की चलती आ रही थी। बिल्ड क्वालिटी जरूर थोड़ी सी बेटर करी है। हमने पहले देखा था राइजन 3 7000, उसके अंदर भी बिल्ड क्वालिटी बेटर थी, इसके अंदर भी बिल्ड क्वालिटी जो है थोड़ी सी बेटर है। अगर वॉबलिंग की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा वॉबलिंग इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स, और उसके बाद देखेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला पोर्ट आप देख रहे हैं वो 3.5 mm का ऑडियो जैक है। दूसरा है USB 2.0। अब 3.2 आते हैं लेकिन डेल ने एक 3.2 दे रखा है, एक 2.0 दे रखा है। और अगला स्लॉट आपको दिखाई देगा कार्ड रीडर 3.0। राइट साइड में जो सबसे पहला पोर्ट है वो है चार्जिंग का, लैपटॉप चार्ज करने के लिए। फिर आपको मिलेगा HDMI 1.4 आपका प्रोजेक्टर और LED TV लगाने के लिए। यहाँ पे आपको जो देते हैं वो है USB 3.2। एक साइड आपका मिला था 2.0, यहाँ पे है 3.2। अगर आपने फास्ट डाटा ट्रांसफर करना है, आपको USB है तो आप AC पे कनेक्ट करिएगा। उसके बाद एक पोर्ट और दे रखा है, वो है टाइप सी 3.2। दोस्तों हम लैपटॉप की कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है वो है AMD राइजन 5 7520U का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। जो AMD ने 7000 सीरीज लॉन्च करी है उसी का एक पार्ट है 7520U जो आपने आपको मिलता है डेल के इस लैपटॉप में। जिसकी बेस स्पीड की बात करेंगे तो हम 2.8 GHz है, और मैक्सिमम जो टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 4.3 GHz की। इसके कोर्स हम बात करेंगे, फिजिकल कोर आपको इसमें मिलते हैं 4 और लॉजिकल प्रोसेसर आपको मिलते हैं 8, और L3 कैशे की बात करेंगे तो वो 4 MB की है। दोस्तों मैं आपको और बता दूं, जो 5000 सीरीज AMD की अभी तक आ रही थी उसके अंदर 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर था, ये वाला जो प्रोसेसर है 7520U AMD ने 6 नैनोमीटर में लॉन्च किया है। मेमोरी की बात करेंगे तो 8 GB की रैम है, LPDDR5 रैम आपको इसमें मिलती है। स्पीड जिसकी 5500 MHz की होती है, अभी तक हम 3200 MHz की रैम देखते आ रहे थे, अब 5500 MHz आपको इसमें मिलेगी। इसमें दो स्लॉट्स हैं, दोनों ही यूज्ड है। मैं आपको बता दूं इसके अंदर ऑनबोर्ड रैम है, जब लैपटॉप हम खोलेंगे तो आपको दिखाएंगे ऑनबोर्ड रैम, ये अपग्रेड नहीं होगी, इसलिए 4-4 GB की दो चिप इसमें लगी हुई है। डिस्क की बात करेंगे तो 512 GB की आपको SSD इसमें मिलती है, जिसके अंदर आपको वर्किंग कैपेसिटी मिलती है 477 GB। वाईफाई की बात करेंगे, वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5 आपको इसमें मिलता है। ग्राफिक्स की बात करेंगे, ग्राफिक्स आपको इसमें डेडिकेटेड मिलेगा 512 MB का। शेयर्ड GPU भी आपको मिलता है, वो है 3.6 GB का। टोटल मिला के आपको ग्राफिक्स की बात करेंगे तो वो 4.2
1 GB का ग्राफिक्स आपको इसमें मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें 15.6 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले आपको मिलता है, जिसका रिजोल्यूशन 1920x1080 है, एंटी क्लियर है, नॉन टच है, 45% NTSC है और 250 निट्स आपको इसमें मिलती है। और इस स्क्रीन की खास बात है ये 120 हर्ट्ज की है। नॉर्मली इस रेंज के लैपटॉप में 60 हर्ट्ज की आती है, डेल ने इसके अंदर 120 हर्ट्ज की स्क्रीन दी है। कैमरे की बात करें इसमें डेल ने 720p HD वेबकैम दिया है सिंगल डिजिटल माइक्रोफोन के साथ। तो दोस्तों समय आ गया है लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने का। लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें हम क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों बैक पैनल हमारा ओपन हो गया है, तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों ये देखते हैं, यहाँ हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है जो कनेक्टेड होता है हीट सिंक के थ्रू यहाँ फैन से। हमेशा फैन आज की डेट में अलग लगाया जाता है मदरबोर्ड से, पहले प्रोसेसर के ऊपर ही फैन लगे होते थे, उससे क्या होता था लैपटॉप की जो थिकनेस है वो ज्यादा हो जाती थी। अब थिकनेस को स्लिम बनाने के लिए, थिकनेस कम करने के लिए फैन को अलग लगाया जाता है। यहाँ हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड खत्म होने के बाद आपको फैन दिखाई देगा। यहाँ हमारी SSD लगी हुई है जिसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन SSD आपको रिमूव करनी पड़ेगी, रिमूव करके ही अपग्रेड होगी। ये आपकी यहाँ पे रैम है 4 GB की, 2 ऑन बोर्ड रैम है, इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते। यहाँ आपको मिलेगा आपका वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5। ये अपग्रेड हो जाता है लेकिन बहुत कम लैपटॉप सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अपग्रेड हो जाएगा। हम इस लैपटॉप के अंदर सिर्फ 2 चीज अपग्रेड के लिए कहेंगे, एक हमारी SSD है और एक हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड का मैं आपको बताता हूं, यहां पे हार्ड डिस्क का स्पेस बना हुआ है, डेल ने स्पेस दे रखा है, लेकिन मुझे कहीं भी लैपटॉप पे स्लॉट नहीं दिखाई दे रहा जो मैं हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकूं, तो इसलिए ये मैं नहीं कह पाऊंगा कि आप इसमें एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क एड ऑन कर सकते हैं। यहां हमारा बैटरी है 41 वर्क आवर्स की 3 सेल के साथ, जिसका बैटरी बैकअप आपको 5 से 7 घंटे का मिल जाएगा। यहां आपके 2 स्पीकर्स आपको मिलते हैं और यहां पे आप कीबोर्ड अपग्रेड कर सकते हैं। यहां पे बैकलाइट के लिए कीबोर्ड दे रखा है, इसमें नॉन बैकलिट कीबोर्ड है, लेकिन अगर इन फ्यूचर आप बैकलिट कीबोर्ड ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसका ऑलरेडी डेल ने स्लॉट दे रखा है। तो दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया है राइजन 5 7000 में 7520U प्रोसेसर के साथ। आज हमने देखा इसके अंदर 8 GB की रैम आपको देखने को मिली, जो हमने देखा कि हम उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। देखिए, जो अगर रैम ऑनबोर्ड नहीं होती, स्लॉट्स में लगी भी होती, तो उसका बेनिफिट ये रहता कि आप रैम को अपग्रेड कर सकते, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ऑनबोर्ड जो रैम आती है उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होती है। तो बात करते हैं इसकी वर्किंग की। देखिए राइजन 5 है, अगर आप इसमें वर्किंग करना चाहें तो आप सभी वर्किंग अपनी पूरी कर सकते हैं, बस हाई एंड गेमिंग को छोड़ के जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स की जरूरत होती है, जितने भी आते हैं 3D Max होंगे। मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि आप 3D Max के लिए ये लैपटॉप लो या AutoCAD के लिए, स्पीड बहुत स्लो आएगी। अगर आपने कोडिंग करनी है, आपने कोरल फोटोशॉप यूज करना है, आप यूज कर सकते हैं इसमें, लेकिन इसके अंदर 100% sRGB नहीं है, तो कलर की क्लैरिटी आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप अपने ऑफिस का काम करना चाहेंगे, आप अपनी क्लासेस लेनी है, बच्चों को स्कूल की क्लासेस लेनी है, प्रोजेक्ट वर्क, सारे काम इसमें हो जाएंगे। अगर देखिए मैं कहूँ राइजन 5 जो 50,000 के अप्रॉक्स में रहता है, ये आपके लिए परफेक्ट लैपटॉप होता है। ना तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत स्लो रहेगा, और ये भी नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ही हाई एंड पे चला जाएगा जिसमें आप अपनी सारी वर्किंग करेंगे, लेकिन 90% वर्किंग आपकी इस लैपटॉप पे हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ वो वर्किंग नहीं हो पाएगी जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स की जरूरत होती है, जिसमें NVIDIA 1650 या 3050 की आपकी रिक्वायरमेंट आएगी, वो वर्किंग आप इसमें नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे तो मार्केट में ये आपके 50,000 के अप्रॉक्स में आपको मिल जाएगा। डेल इसके साथ 1 ईयर ऑन साइट वारंटी देता है, आप एक्सटेंड कराना चाहे एक्सटेंड करा सकते हैं, टाइम टू टाइम डेल ऑफर्स देता रहता है। जब भी आप डेल एक्सक्लूसिव स्टोर पे जाएंगे तो वहां पे आप एग्जीक्यूटिव से जरूर पूछिएगा कि अभी क्या प्राइसेस चल रहे हैं वारंटी एक्सटेंड कराने का, 1 ईयर से 3 ईयर तक आप करा सकते हैं, और साथ ही साथ आप एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव से जरूर पूछ लीजिएगा, वो उसके भी प्राइसिंग आपको बता देगा। मैं एक बात आज फिर रिपीट करना चाहता हूँ, अधिकतर मैं रिपीट कर ही देता हूँ, क्योंकि कई लोग गलती करते हैं
जब भी लैपटॉप परचेज करते हैं तो उसकी वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी वो थर्ड पार्टी से करा लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी आपको थर्ड पार्टी की वारंटी नहीं मिलेगी। होता ऐसा है कि अगर आज आपकी रिक्वायरमेंट है, आप लैपटॉप खराब हो गया, आपने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है किसी थर्ड पार्टी की, वो आपको पता चला एक से दो महीने बाद ठीक करके दे रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे और आप उस टाइम को वेट ना करके आप फटाफट उसको बाजार से रिपेयर करा लेंगे। इसलिए एक्सटेंडेड वारंटी आपके लिए यूज में नहीं आएगी। एक्सटेंडेड वारंटी सिर्फ और सिर्फ अगर डेल का लैपटॉप ले रहे हैं तो डेल से ही कराइएगा, आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलता है और जल्दी आपका वो लैपटॉप ठीक हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो इस लैपटॉप से रिलेटेड या किसी और लैपटॉप से रिलेटेड तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं जितना भी कवर कर सके हम पूरा का पूरा एक अनबॉक्स और रिव्यू करके आपको देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी हम नए नए लैपटॉप की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे और कोशिश करेंगे हर लैपटॉप का बैक पैनल आपको ओपन करके दिखाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।